हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्या राय है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। आज की जो हमारी क्लास है वो चौथी क्लास है। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जिन पे हम बात करेंगे, और अभी तक मैंने आपको 65 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं अपने तीन क्लासेस में, और आपकी शुभांगी मैम ने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो टोटल आपके पास 85 क्वेश्चन हो गए, और आज के क्वेश्चन मिला के आपके पास 105 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज की जो क्लास है ये मेरे लिए मेरी आखिरी क्लास होगी। अगर आप लोगों को दिक्कत आती है इसके बाद अपने किसी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसकी एक छोटी सी क्लास लेकर मैं उसे भी सॉल्व कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारे 20 क्वेश्चन हैं, और हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा, और आपको अपना आंसर उसी के अंदर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टेक्निकल नेम ऑफ नेल इज, जो नेल होता है आपका, नेल का टेक्निकल नेम मतलब तकनीकी नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कैनिटीज, ऑप्शन नंबर बी ऑनिक्स, ऑप्शन नंबर सी ट्राइको, ऑप्शन नंबर डी ऑनिकोलॉजी। सभी लोग से जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑनिक्स। जो ऑनिक्स होता है उसका जो नेल होता है ना उसका टेक्निकल नेम होता है ऑनिक्स। अभी हम चार ऑप्शन जो हमारे उस पर बात कर लेते हैं। कैनेटीज, अगर जिसने मेरी तीसरी क्लास देखी होगी उसमें मैंने बताया था कैनेटीज क्या होता है, ये भी टेक्निकल नेम है किस चीज का, ग्रे हेयर का। ग्रे हेयर क्या होते हैं हमारे, सफ़ेद बाल। सफ़ेद बाल को जो हम कहते हैं ग्रे हेयर, और ग्रे हेयर का टेक्निकल नेम होता है कैनेटीज। और ट्राइको किसका होता है टेक्निकल नेम, हेयर का। ये मैंने पढ़ाया था आपको अपनी पहली क्लास में, पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको कि ट्राइको जो होता है वो हेयर का टेक्निकल नेम होता है। और ऑर्निकोलॉजी कौन होते हैं, जो आपके नेल के बारे में जो अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ नेल, वो होते हैं ऑर्निकोलॉजी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कलर ऑफ नेल, जो आपका नेल है उस नेल का कलर क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए पिंक, ऑप्शन नंबर बी कलर ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी का कलर, ऑप्शन नंबर सी कलरलेस मतलब इसमें कोई कलर ही ना हो, ऑप्शन नंबर डी वाइट मीन्स सफ़ेद। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। हाँ, तो इसका आंसर होगा कलर ऑफ सॉइल ऑप्शन नंबर बी। जो आपका नेल होता है उसका कलर होता है मिट्टी के कलर के समान। अब बात आती है कि मैम में पिंक कलर क्यों दिखाई देता है, तो पिंक कलर का दिखाई इसलिए देता है क्योंकि जो आपका नेल है, इस नेल के नीचे क्या होता है, इस नेल के नीचे हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड होता है, जिसकी वजह से जो नेल होता है हमें पिंक दिखाई देता है। लेकिन नेल का कलर रियल में क्या होता है, मिट्टी के कलर का समान होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ नेल रूट, जो नेल रूट है उसका दूसरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी लुलुना, ऑप्शन नंबर सी जर्मिनल मैट्रिक, ऑप्शन नंबर डी स्टेराइल मैट्रिक। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मिनल मैट्रिक। जो आपका नेल रूट होता है इसका अदर नेम क्या होता है, जर्मिनल मैट्रिक। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ रिंगवर्म, जो रिंगवर्म है इसका दूसरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए ऑनिचोसिस, ऑप्शन नंबर बी पैरानोसिया, ऑप्शन नंबर सी ऑनिसिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
नेल में जितनी भी डिजीज और डिसऑर्डर हैं, आप लोग उसके नाम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जो आपको नाम जो आपको उसका नाम ही बोलना नहीं आएगा तो आप उसको याद आप आंसर में कैसे टिक लगाओगे, समझ रहे हैं आप लोग बातें। तो प्लीज़ आप लोग उसके जो डिजीज़ और डिसऑर्डर हैं नेल के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए। और हाँ, जो लोग इसका आंसर दे चुके हैं वो बताओ कि जो रिंगवर्म है वो क्या है, मतलब डिजीज़ है या डिसऑर्डर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनिसिया। जो रिंगवर्म है इसका अदर नेम होता है ओनिशिया। अब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो जो रिंगवर्म है वो क्या है, डिजीज है कि डिसऑर्डर है। तो जो रिंगवर्म है वो आपका क्या होता है, डिजीज होता है, डिसऑर्डर नहीं, डिजीज है रिंगवर्म आपका, डिजीज है। अब हम एक एक सब पे एक बात कर लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शन क्या था, ओनिचोसिस, कि ओनिचोसिस क्या होता है। तो इसका इस बीमारी का मेन कारण इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। दूसरा ऑप्शन क्या था, पैरानोसिया, यह एक ऐसा संक्रमण है जो अधिकांशतः मैनिक्योरिस्ट को भी होने की संभावना रहती है। यह बीमारी मैनिक्योर हेतु यूज में लाए जाने वाले औजारों को संक्रमण रहित न करने के कारण होता है, समझ रहे हैं ना। जब आप मैनिक्योर करते हैं और उसमें जो जो हम आपके टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, और आप उसको सही से, मान लीजिए आपके का कोई क्लाइंट आया, आपने उसको धोया नहीं और मतलब आपने बस वो यूज़ किया, फिर दोबारा कोई दूसरा आया, आपने दूसरे के ऊपर अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा कि उसकी जो गंदगी थी वो पहले उसमें आई, फिर आपने उसको दूसरे को किया, तो वो जो क्लाइंट आया वो तो उसको संक्रमण तो होगा ही, साथ में आपको भी होगा, क्योंकि आप भी चार लोगों का छुआ हुआ यूज़ कर रहे हो, समझ रहे हैं ना। तीसरा ऑप्शन था क्या, ओनिसिया, जो कि इसका राइट आंसर है। तो ओनिसिया क्या होता है, तो इस बीमारी में त्वचा पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं तथा उनमें लगातार खुजली होती रहती है। रिंगवर्म आप ऐसे समझिए, रिंगवर्म देखिए आपके शरीर पे भी होता है, स्किन प्रॉब्लम भी रिंगवर्म आती है, कि जो इस पे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, खुजली होती है लाल लाल। और ये किन लोगों को होता है ओनिसिया, तो यह बीमारी अधिकतर नमी वाले क्षेत्रों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों या धार्मिक स्थलों पर रहने वाले व्यक्तियों में होती है। इसके अलावा जो लोग लगातार नायलॉन के मोजे पहनते हैं उनको भी ये बीमारी होती है, समझ गए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए फिगर, ऑनिशिया ऐसा ही दिखता है, जिसका होता है ऑनिशिया उसको ऐसा ही होता है कि बीच में आपका नेल होता है, जो फिर बाद में नेल दर्द भी करता है, फिर क्योंकि किनारे किनारे लाल लाल हो जाता है, दाना पड़ जाता है, सूजन आ जाती है, तो बीच वाला जो नेल है बहुत ज़्यादा दर्द भी करता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पैराफिन वैक्स मैनिक्योर इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ स्किन। जो पैराफिन वैक्स होता है उसको हम किस तरह की स्किन पर यूज करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ड्राई स्किन, ऑप्शन नंबर बी सेंसिटिव स्किन, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल स्किन, ऑप्शन नंबर डी ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। सभी लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल टाइप ऑफ स्किन। जो पैराफिन वैक्स होता है इसको हम हर तरह की स्किन पर करते हैं, और ये करता क्या है, ये त्वचा में गहराई तक जाकर नमी पहुंचाता है। ये जो पैराफिन वैक्स होता है क्यों करते हैं, ताकि जो आपकी स्किन है, स्किन के अंदर ये गहराई तक जाके उन्हें नमी दें। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ डैंड्रफ, मीन्स डैंड्रफ कितने टाइप के होते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 3। सभी लोग इसका आंसर दिए लिल्ली। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू। जो डैंड्रफ होते हैं आपके, वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? ड्राई डैंड्रफ और ऑयली डैंड्रफ। जो ड्राई डैंड्रफ होता है, आप उसका फिगर देख रहे हैं, ये फिगर है, ये जो होता है आपका, ये होता है ड्राई डैंड्रफ। ड्राई डैंड्रफ में क्या होता है, ये नॉर्मली आप इसको अपने घर में भी इसको ठीक कर सकते हो। इसको जब आप जब कंघी करते हो ना, तो आपके शोल्डर पर, फिर कभी आपने हाथ लगाया तो आपके शोल्डर पर, आपके कपड़ों पर ये गिरा गिरा हुआ दिखाई देता है, ये सूखा सूखा होता है। इसका ट्रीटमेंट आप घर में भी कर सकते हो, घरेलू तरीके से। और जो ऑयली डैंड्रफ होता है, ये देखिए, ये फिगर आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा दिखता है। और इसका जो है ना, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट आप घर में नहीं कर सकते हो, ना ही किसी सलून में करा सकते हो। इसका ट्रीटमेंट जो ड्राई वाला होता है, उसका ट्रीटमेंट तो हम सलून में करा सकते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट हम सलून में नहीं करा सकते। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। इसका ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर्स करते हैं, कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं करते। समझ में आया? आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट मोस्ट बेनिफिशियल ऑयल फॉर हेयर, मीन्स इनमें से कौन सा तेल बालों के लिए सबसे अच्छा है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए आलमंड ऑयल, मीन्स बादाम का तेल, ऑप्शन नंबर बी कोकोनट ऑयल, मीन्स नारियल का तेल, ऑप्शन सी ऑलिव ऑयल, मीन्स जैतून का तेल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी सभी लोग इसका आंसर दीजिए। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑलिव ऑयल। देखिए, मीन्स जैतून का तेल। एक बात मैं तो कह देती हूँ आपको, वैसे तो सारे तेल बालों के लिए अच्छे होते हैं, चाहे आप सरसों का तेल लगाइए, चाहे नारियल का तेल लगाइए, चाहे जो तेल लगाइए, हर तेल जो है बालों के लिए अच्छा होता है। लेकिन एक जैतून का तेल है, ये ऐसा तेल है जो हर तरह के बालों पर सूट करता है। जैसे कि कुछ कुछ लोगों का होता है ना कि यार मुझे नारियल का तेल शूट नहीं करता है, मुझे जो है ये सरसों का तेल अच्छा नहीं लगता, ये है वो है। सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। कोई कहता है कि बाबा रामदेव का तेल इस्तेमाल करो, तो कोई कहता है केश किंग इस्तेमाल करो, कोई कहता है केश कांति इस्तेमाल करो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मली आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हो, हाँ ये तेल थोड़ा बहुत महंगा है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता है, लेकिन जैतून का तेल जो होता है वो बालों के लिए सबसे अच्छा होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, मीन्स फाउंडेशन कितने टाइप से होते हैं? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए टू, ऑप्शन नंबर बी थ्री, ऑप्शन नंबर सी फोर, ऑप्शन नंबर डी फाइव। सभी लोग इसका आंसर दीजिए कि फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थ्री। जो फाउंडेशन होता है वो तीन तरह का होता है, कौन कौन सा? क्रीम फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन और केक फाउंडेशन। ये क्रीम फाउंडेशन क्या होता है, इसका यूज़ हम ड्राई स्किन पे करते हैं, और इसका जो बेस होता है ना वो ऑयली होता है। फाउंडेशन का यूज़ हम क्यों करते हैं, चेहरे पर बेस बनाने के लिए। तो इसका जो बेस होता है क्रीम फाउंडेशन का, वो ऑयली होता है, और इसको हम ड्राई स्किन पे करते हैं। जो लिक्विड फाउंडेशन है, ये वाटर बेस्ड फाउंडेशन होता है। लिक्विड फाउंडेशन कौन सा होता है, ये वाटर बेस्ड फाउंडेशन होता है, और इसका यूज़ हम किस स्किन पे करते हैं, तो ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। और ऑप्शन नंबर, और हमारा दूसरा तीसरा क्या था, केक स्किन, केक फाउंडेशन। तो केक फाउंडेशन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, झाइयों वाली स्किन पर, और जो इसका यूज़ होता है वो वाटर प्रूफ मेकअप में इसका यूज़ होता है। केक फाउंडेशन का यूज़ जो कहाँ करते हैं, जो मेकअप आप करते हो ना, वाटर प्रूफ मेकअप, हम इसमें उसका यूज़ करते हैं। और किस स्किन पे होता है, झाइयों वाली स्किन पे। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि झाइयाँ और झुर्रियाँ में क्या डिफरेंस है? सभी लोग बताइए कि झाइयाँ और झुर्रियाँ में क्या डिफरेंस होता है।
चलिए तब तक आप लोग सोचिए कि झाइयाँ क्या होती हैं, झुर्रियाँ क्या होती हैं, दोनों किसको होती हैं। तब तक हम अगले क्वेश्चन पर अपनी बात करते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, वॉट इज़ यूज आफ्टर थ्रेडिंग, मीन्स थ्रेडिंग की वह एरिया, मतलब थ्रेडिंग करने के बाद हम उस स्थान पर क्या यूज़ करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑयल, ऑप्शन नंबर बी क्रीम, ऑप्शन नंबर सी वाटर, ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रीजेंट। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग नॉर्मली इसको यूज भी करते हो। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रीजेंट। जब थ्रेडिंग आप करते हो, थ्रेडिंग करने के बाद आप वहाँ एस्ट्रीजेंट का यूज़ करते हो। और अभी इससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि झाहिया और झुरिया में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? ओके, मैं बताती हूँ। जो झुर्रियाँ होती है ना, वो सभी को होती है, मीन्स वो वुमेन को भी होगी, मेंस को भी होगी, लड़का लड़की मेल फीमेल दोनों को होता है झुर्रियाँ। इसमें क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है ना, लूज़ हो जाती है। इससे आप लोग देखे हो कि अपने दादाजी को, अभी दादी जी को, कि देखो उनकी स्किन एकदम लूज़ होकर नीचे गिर गई है, वो होता है झुर्रियाँ। और झाइयाँ क्या होता है, झाइयाँ जो है केवल लेडीज़ को होता है। और ये कब होता है, ये आपका होता है प्रेगनेंसी के बाद, जब आप प्रेग्नेंट होते हो, प्रेग्नेंट होने के बाद ये कंडीशन आती है। कई लोग बड़ा दिक्कत इसमें क्या आती है ना, कई लोग कहते हैं कि झाइयाँ भी झाइयाँ जो होते हैं मेल को होते हैं, ऐसा नहीं है। झाई मेल ये झाइयाँ जो है ये फीमेल की प्रॉब्लम है, फीमेल को होता है। और ये क्यों होता है, ये प्रेगनेंसी के बाद होता है। आज की बात गलती से भी कहीं किसी से भूल के मत कहना कि जो है झाइयाँ किसी मेल को होता है, क्योंकि देखो पीरियड्स जो किसको आते हैं, फीमेल को आते हैं। प्रेग्नेंट कौन होता है, फीमेल होता है, मेल तो होते नहीं है ना। तो जो झाइयाँ होती हैं वो फीमेल्स को होती हैं, मेल्स को नहीं होती, ये बात याद रखना। सबको समझ में आया, झुर्रियाँ दोनों को होती है, मेल फीमेल दोनों को होती हैं, और झाइयाँ केवल लेडीज़ को होती हैं। और कब होती हैं, प्रेगनेंसी के बाद, जब उनका बेबी हो जाता है, या फिर कुछ लोगों का बेबी होने के बाद होता है, कुछ लोग अपना, मान लीजिए किसी का बेबी गिर जाता है, कुछ लोग गिरा देते हैं, तो उसके बाद ना, कि अगर आपके पेट में बेबी पड़ गया तो आपको तो आपका झाइयाँ होना तय है। समझ रहे हैं? आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ ब्लसर इज, जो ब्लसर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 8। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। जो ब्लशर होता है आपका, होता है वो दो तरह का होता है, पाउडर ब्लशर और क्रीम ब्लशर। पाउडर ब्लशर क्या होता है, इसको जो है आप ब्लशर वाले ब्रश से यूज़ करते हो। और किस स्किन पे यूज़ करते हो, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन पे। लेकिन इसके विपरीत जो क्रीम ब्लशर होता है, इसका यूज़ हम किसी ब्रश से नहीं करते, इसका यूज़ जो है हम फिंगर टिप से करते हैं। और ये कहाँ यूज़ होता है, इसका यूज़ अधिकतर हम ड्राई स्किन या सर्दियों के दिनों में करते हैं। समझ में आया? आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ मॉइस्चराइजर इज, जो मॉइस्चराइजर होता है उसका दूसरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए लोशन, ऑप्शन नंबर बी क्रीम, ऑप्शन नंबर सी कोल्ड क्रीम, ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टनर। सॉफ्टनर, सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्या होगा।
हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टनर। जो आपका मॉइस्चराइजर होता है इसको हम सॉफ्टनर के नाम से भी जानते हैं। आगे चलें, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है टेक्निक्स ऑफ हेयर कलरिंग। हेयर कलर करने की कौन कौन सी और विधियां हैं, कौन कौन सी और टेक्निक्स हैं। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए प्री लाइटनिंग, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल कलर, ऑप्शन नंबर सी हाई लाइटनिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। जो आप बालों के में जो कलर करने की जो जो तकनीक है, जो टेक्निक्स हैं, वो तीनों होते हैं। कौन कौन से? प्री लाइटनिंग, ग्लोबल कलर और हाई लाइटनिंग। इसमें देखिए पहला फिगर, ये फिगर जो है ना, ये सफ़ेद बाल वाला, ये है हमारा प्री लाइटनिंग। प्री लाइटनिंग में क्या होता है, बालों का जो नेचुरल कलर होता है ना, उसको हम इसमें उड़ाते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझिए, जो लोग ब्लीच कराते हैं ना, ब्लीच में क्या होता है, ब्लीच ही जो है आपका प्री लाइटनिंग होता है। इसमें बालों का जो नेचुरल कलर है उसको हम उड़ा देते हैं। दूसरा हमारा ये आता है ये ग्लोबल कलर। ग्लोबल कलर में क्या होता है कि हम पूरे बालों पर कलर करते हैं। इसी का आप देख रहे हैं फिगर में, पूरा फिगर रेड बालों का है, जिसमें पूरे बालों में हम रेड कलर मान लीजिए मैंने कर दिया, किसी में हम ग्रीन कर देते हैं, किसी में येलो कर देते हैं। तो ग्लोबल कलर में हम जो भी कलर करते हैं वो पूरे बालों पर करते हैं। प्री लाइटनिंग में बालों से उसका जो नेचुरल जो उसका नेचुरल रंग होता है, प्राकृतिक रंग, उसको हम उड़ाते हैं। ग्लोबल कलर में हम पूरे बालों में वही कलर करते हैं। और ये हमारा आता है हाई लाइटिंग। हाई लाइटिंग में क्या होता है, बालों की एक या दो, कोई दो चार पतली पतली लेयर लेकर हम उसमें कोई ऐसा कलर करते हैं जो उसमें हाईलाइट करे बालों को। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि पहले से बाल हमारे हल्के ब्लैक ब्लैकिस में थे, उसको हमने हल्का सा उसको ब्राउन शेड दिया। समझ में सबको आ रहा है? आपके सामने तीनों फिगर हैं। जो आपका प्री लाइटनिंग होता है वो क्या होता है, बालों से जो उनका प्राकृतिक रंग है उनको हटाना, वो होता है प्री लाइटनिंग। ग्लोबल कलर जो ये क्या होता है, इसको हम पूरे बालों पे करते हैं। और हाई लाइटनिंग, बालों की एक पतली स्ट्रिप लेकर, कहीं कहीं बीच बीच में लेकर, उसको हम बालों पे एक हाईलाइट कलर करते हैं। सबको समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मेकअप। मीन्स मेकअप को रिमूव करने के लिए आप क्या, इनमें से क्या यूज करते हो। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए फेस वॉश, ऑप्शन नंबर बी शॉप मीन्स सोप, ऑप्शन नंबर सी क्लिंजिंग मिल्क, ऑप्शन नंबर डी बेबी सोप। सभी लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब आप मेकअप कर लेते हो, जब आप उसको छुड़ाते हो, तो छुड़ाने में आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, फेस वॉश, सोप, क्लिंजिंग मिल्क या बेबी सोप। सभी लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर सी क्लिंजिंग मिल्क। क्लिंजिंग मिल्क का यूज जो है आप जब फेस पे मेकअप करते हैं तो उसको छुड़ाने के लिए करते हैं। नॉर्मली हम क्लिंजिंग मिल्क का यूज करते हैं। आप चाहो तो साबुन का भी यूज़ कर सकते हो, बेबी साबुन का भी यूज़ कर सकते हो और फेस वॉश का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो एक मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं क्लिंजिंग मिल्क। अच्छी क्वालिटी का क्लिंजिंग मिल्क इस्तेमाल करते हैं और उससे वो मेकअप को साफ करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हेयर इज। मीन्स बालों की जो आंतरिक लेयर होती है वो कौन सी होती है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए कॉर्टेक्स, ऑप्शन नंबर बी क्यूटिकल, ऑप्शन नंबर सी
हेयर बल्ब, ऑप्शन नंबर डी मेड्यूला। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेडुला, जो इनर मोस्ट लेयर होती है हेयर की, वो क्या होती है, मेडुला। यहाँ फिगर से समझते हैं। यहाँ देखिए फिगर आपके सामने है, ये जो है ये आपका होता है बालों का क्यूटिकल। क्यूटिकल में क्या होता है, जो जो चीज़ भी आप अप्लाई करते हो अपने बालों पर, जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हो वो किस पे अप्लाई करते हो, क्यूटिकल पे। जैसे आपने शैम्पू लगाया, आपने कलर किया, आपने पमिंग लोशन, पमिंग का आपने पमिंग कराई, स्ट्रेटनिंग कराई, रिबॉन्डिंग कराई, तो किस पे कराते हो आप, जो कुछ भी आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो वो इस्तेमाल करते हो आप क्यूटिकल लेयर पे अपने, ठीक। दूसरा हमारा होता है कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स लेयर होती है ना, ये सबसे मेन लेयर होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें बालों का कलर और बॉन्ड आपके कॉर्टेक्स लेयर में होते हैं। आपके बाल किस कलर के हैं, या फिर अगर आप ग्लोबल कलर कराते हो, प्री लाइटनिंग कहलाते हो, हाईलाइटिंग कराते हो, तो उसका जो असर होता है वो आपके कॉर्टेक्स लेयर पर पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने प्री लाइटनिंग कराई, तो प्री लाइटनिंग में क्या होता है कि हम बालों से जो उसका नेचुरल कलर होता है उसको हम उड़ाते हैं, तो आपके जो बालों में जो पिगमेंट होते हैं या फिर जो बॉन्ड होते हैं वो आपके कॉर्टेक्स लेयर में होते हैं। समझ में आया, प्री लाइटनिंग में जो हम बालों का कलर उड़ाते हैं, तो उसमें जो बालों का कलर, मान लीजिए आपके बालों का कलर ब्लैक है, तो कॉर्टेक्स लेयर में जो आपका ब्लैक कलर है उसको हम हटा देते हैं, उड़ा देते हैं। और सबसे तीसरी लेयर हमारी अंदर की होती है मेडुला। आप देख लीजिए अंदर ये रेड रेड है ना, ये हमारी होती है मेडुला, जो हमारे बालों की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। सबसे इनर मोस्ट लेयर हमारे बालों की क्या होती है, मेडुला। जो बहुत पतले बाल होते हैं, मींस जैसे कि आपके शरीर पर जो रोए हैं ना, रो में मेडुला नहीं होता है। आपकी स्कैल्प पर जो बाल हैं, आपके खोपड़ी पर जो बाल हैं, उस पे जो उनमें मेडुला होता है, लेकिन जो बहुत पतले बाल होते हैं जैसे कि आपके जो रोए हो गए शरीर के, उसमें मेडुला नहीं होता है। ये बहुत रेयर कंडीशन आती है जिसमें मेडुला होता ही नहीं है। समझ में आया सबको। क्यूटिकल क्या होता है, ये बालों की बाहरी परत होती है, इसमें जो कुछ भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, चाहे शैम्पू हो, कंडीशनर हो, तेल हो, आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्यूटिकल लेयर पर अप्लाई होता है। कॉर्टेक्स में क्या होता है, कॉर्टेक्स में आपके बालों के पिगमेंट और बॉन्ड पाए जाते हैं। और मेडुला क्या होता है, ये आपकी कॉर्टेक्स आपकी सबसे मिडिल लेयर है, और इनर मोस्ट लेयर क्या होती है आपकी, मेडुला। मेडुला क्या होता है कि आपके खोपड़ी के बाहर में पाया जाता है, लेकिन आपकी जो शरीर पर जो रोए होते हैं, सॉरी रोम छिद्र नहीं, जो रोए होते हैं, ये उनमें नहीं होता है मेडुला। आगे चलिए, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस है उसकी कितनी लेयर है और उसके नाम भी बताइए आप लोग। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 5। सभी लोग इसका आंसर दीजिए कि एपिडर्मिस की कितनी लेयर होती हैं और कौन कौन सी, उसका भी आंसर, उसको भी आप लिख के बताइए। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। जो एपिडर्मिस होता है इसकी मेन चार लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहली होती है स्टार्टम कॉर्नियम, स्टार्टम ल्यूसिडम, स्टार्टम ग्रेनुलोसम, स्टार्टम जर्मिनेटिवम। देखिए कुछ लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 6 भी दिया है। 6 क्यों नहीं होती है, जर्मिनेटिवम के नीचे जो है ना एक स्पाइनोसम और म्यूकोसम होती है। ये जो दो लेयर्स होती हैं आपकी, कुछ तो कहें किसी 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 बुक्स में 6 आती हैं, किसी किसी में 4 आती हैं, लेकिन जो आपके ट्रेड में है ये मेन 4 होती हैं। स्पाइनोसम और म्यूकोसम जो है ना, ये आपकी जर्मिनेटिवम लेयर से जुड़ी हुई होती हैं। स्पाइनोसम और म्यूकोसम आपकी जर्मिनेटिवम लेयर से जुड़ी हुई लेयर्स होती हैं, इस वजह से जो है आपकी वो जर्मिनेटिवम में काउंट हो जाती हैं। मेन आपकी 4 लेयर्स होती हैं। स्टार्टम कॉर्नियम आप फिगर में देखिए, जो ऊपर जो रेड वाला है इस आपका स्टार्टम कॉर्नियम है, ग्रीन वाला स्टार्टम ल्यूसिडम है,
ये जो ब्लू कलर का है स्टार्टम ग्रेनुलोसम है, और नीचे ये पिंक वाला आपका स्टार्टम जर्मिनेटिवम लेयर है। ये आपकी मेन चार लेयर्स होती हैं, और इसकी नीचे आपकी डर्मिस लेयर स्टार्ट हो जाती है। ये चार आपकी कौन सी होती हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की कितनी लेयर्स होती हैं? चार। इसके नीचे आपकी डर्मिस लेयर स्टार्ट हो जाती है। सबको समझ में आया? जिसको इसको सीगर इसका वो स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो हम आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ डर्मिस। जो डर्मिस लेयर आपकी होती है इसका दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए कोरियम, ऑप्शन नंबर बी डर्मा, ऑप्शन नंबर सी स्किन, ऑप्शन नंबर डी स्कैल्प। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोरियम। जो डर्मिस लेयर होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है? कोरियम। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ हाइपोडर्मिसिस। जो हाइपोडर्मिस लेयर आपकी जो होती है कहाँ होती है? पहले तो आपकी एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस आपकी स्किन की सबसे तीसरी और सबसे लास्ट लेयर होती है, मैंने बताया था ना। इसका जो हाइपोडर्मिस इसका दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए सबक्यूटेनियस लेयर, ऑप्शन नंबर बी सब डर्मिस लेयर, ऑप्शन नंबर सी इपिडर्मिस लेयर, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। और अगर जिसको याद हो मैंने अपने दूसरी क्लास में पढ़ाया था कि हाइपोडर्मिस क्या होता है, ये एक ऐसी लेयर है स्किन की जहाँ पर इस लेयर का मेन वर्क क्या है, इस लेयर में क्या होता है किसी को पता है? जो डॉक्टर्स आपको लगाते हैं इंजेक्शन लंबी लंबी सुई, वो कहाँ लगाते हैं? वो आपकी हाइपोडर्मिस लेयर में लगाते हैं। आप जाके अपने किसी भी डॉक्टर से पूछिएगा, आप अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर हो आपका कहीं जहाँ भी हो, आप जाके किसी भी डॉक्टर से पूछिएगा कि सर आप मुझे, कोई मैम हो सर हो, कि आप मुझे इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं, स्किन के किस लेयर में लगाते हो, तो आपको बताएंगे कि वो आपको जो इंजेक्शन लगाते हैं वो आपकी हाइपोडर्मिस लेयर में लगाते हैं, वो आपकी इपिडर्मिस और डर्मिस लेयर में नहीं लगाते हैं। चलिए पहले बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या होगा, कि हाइपोडर्मिस का दूसरा नाम क्या है, बताइए सभी लोग। हाँ तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। हाइपोडर्मिस को जो है हम सबक्यूटेनियस लेयर और सब डर्मिस लेयर के नाम से भी जानते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड डिसऑर्डर। सभी लोग बताइए कि डिजीज और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है। डिजीज और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है सभी लोग बताइए मुझे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टूल्स इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल। मींस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल में क्या डिफरेंस है। ये दो क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको देती हूँ, ये डिजीज और डिसऑर्डर वाला और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल वाला, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने वीडियो को बैक करके भी इसको देख सकते हैं। और सभी लोग इसका आंसर मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, उसमें इसके बीच क्या डिफरेंस है। या तो अभी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, सभी लोग अच्छे से कमेंट करके बताइए। फिलहाल इसका आंसर तो मैं आपको अपनी अगली क्लास में बताऊंगी। और जैसा कि मैंने ये कहा कि जो है आज की क्लास हमारी आखिरी क्लास होगी, इसके बाद मैं आपकी इस ट्रेड में कोई क्लास नहीं लूँगी। इसके बाद जो है ना मैं आपकी एक डाउट क्लास लूँगी जिसमें मैं आपको ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर और जो मैंने आपको, अगर इसके अलावा जो आपको कोई दिक्कत है, जो आप इसके अलावा अगर आपको अपने टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उसके बारे में नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसको देखूंगी, तो आपके हिसाब से मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगी इसके लिए और उसका मैं इसमें सोल्यूशन दूंगी। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 19 डिजीज और डिसऑर्डर एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल, इसका आंसर मैं आपको आज नहीं कल बताऊँगी। आप जाइए आज अपने घर में अच्छे से
किताबें कॉपी जो कुछ ढूंढना है ढूंढिए, अपने टीचर से पूछिए, बताइए मुझे इसका आंसर कि इसमें दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको आज नहीं बताऊंगी। और आपको अगर अगर और कोई डाउट होता है कभी कोई, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगी कि उसको, मतलब कि जान लीजिए जो हमारी डाउट क्लास अगली होने वाली है वो आप लोगों पर डिपेंड करती है। आप लोग जितनी जल्दी अपने डाउट्स बताओगे उतनी जल्दी मैं आपका उसका सोल्यूशन दूंगी। समझ रहे ना सभी लोग? तो चलिए आज, अगर अभी तक किसी को, अभी तक जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं, अभी जो कोई दिक्कत है तो आप लोग, अगर आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊंगी। एनी प्रॉब्लम किसी को? सभी लोग पूछिए पूछिए, अभी मैं रुकी हुई हूँ। ओके अगर आप लोग हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। सबको टाटा बाय बाय, गुड नाइट।